तो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, जय हिंद एंड गुड इवनिंग। तो फाइनली आपका एडमिट कार्ड आ चुका है इंडियन कोस्ट गार्ड का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिनका भी एग्जाम 28 मार्च को है वो सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए किस किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है और उस पर्टिकुलर सिटी में किस एग्जाम सेंटर पर आपका एग्जाम है। और फाइनली इसमें क्या क्या करना है, इस एडमिट कार्ड के अंदर जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके जो जो एग्जाम टाइम में फॉलो करने हैं वो ए टू जेड कंप्लीट बताऊंगा। तो वीडियो को आप मिस मत करिएगा, काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप मिस करते हो, गलतियां करते हो, तो आपको एग्जाम देने से जो है वंचित कर दिया जाएगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो अपना एक फोटोग्राफ आप रेडी रखिएगा, कम से कम शायद दो फोटोग्राफ मांगता है, ठीक है। फोटोग्राफ रेडी रखिएगा, एक यहाँ पे लगाने के लिए, एक वहां पे जो यहाँ पे आपका सिग्नेचर करवाया जाता है कॉपी पे, अटेंडेंस कॉपी पे वहां पे लगाया जाता है। अभी सब अंदर बताएगा, लेकिन यहाँ पे फोटो लगाना है, लेकिन अभी नहीं, ये इनविजिलेटर के सामने एग्जाम सेंटर पे आपको लगाना होगा और क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। और हाँ, ये थोड़ा अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मैच कर लीजिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था। बाद यहाँ से देख लीजिए, एग्जामिनेशन डिटेल अपना चेक कर लीजिएगा। डेट ऑफ एग्जाम जो है इनका 28 मार्च को है, आप देख सकते हो। शिफ्ट ए है जो सुबह 8 बजे वाले में है, क्लोजिंग टाइम 8:30 बजे से, एग्जाम टाइम 9:15 से लेकर के 10 बजे ये छूटेंगे, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे आकर के देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम सेंटर ऑफ एग्जाम देख लीजिए इनका, आप अपना देख लीजिएगा। सेंटर ऑफ एग्जाम इनका मत देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक चीज देखो, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिया गया था जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, कैंडिडेट सिग्नेचर इन फ्रंट ऑफ ये सीडेक जो ऑफिसर होंगे उनके सामने करना होगा। यहाँ पे अभी आपको सिग्नेचर नहीं करना है और इस बॉक्स में भी आपको कुछ नहीं करना है। सीडेक ऑफिसर है यहाँ पे, वेरीफाई करेंगे अपना सिग्नेचर करके आपको, तो ये दोनों सेक्शन आप खाली छोड़ दीजिएगा, अभी कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं देख लो, यूजर नेम अपना याद रखना, स्टेज वन एग्जामिनेशन के लिए आपका ईमेल आईडी है तो अपना ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया था उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में, ईमेल आईडी बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा मत, हो सकता है आपके इसमें दिया गया हो, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा अपना एडमिट कार्ड ऊपर, हो सकता है दिया हो। उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट एट द एग्जाम सेंटर पे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला ओरिजिनल आपको 10वीं का मार्कशीट लेके जाना है। दूसरा, वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए एज सबमिटेड, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने आइडेंटिटी प्रूफ दी थी, आधार हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, और जो या फिर जो आपके ई एडमिट कार्ड में जो मेंशन है जो आपने दिया, जैसे मान लीजिए अगर आपने आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड ही लेके जाइएगा। और सारे डिटेल मैच होने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, ए टू जेड अगर मैच नहीं होता है कुछ भी तो एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ये समझ लेना मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि एक कलर्ड प्रिंट आउट, ये देखो जो आपका एडमिट कार्ड है ना, ठीक है, इसका कलर प्रिंट आउट आपको निकालना है। देख लो, सीधे सीधे लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट अलाउड नहीं, अगर ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाओगे तो बाबू वापस हो जाओगे। दूसरा है, दो इनॉस आपको दो पासपोर्ट फोटो साइज अपना लेकर के जाना है, कलर फोटो भी, सिमिलर फेशियल फीचर एस अपलोडेड। देखो ये चीज यहाँ पे बढ़िया कर दिया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वही जो है वो लेकर के जाओ, वही फोटोग्राफ लेके जाओ जो आपने एप्लीकेशन में दिया था, ये एज ए सिमिलर फेशियल फीचर होना चाहिए, मतलब जो है चेहरे का हाव भाव वैसा ही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो डाला था। अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो होगा तो वही लेके जाएगा और बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट प्रिंटेड, देखो अब क्या करना है, प्लीज प्रेजेंट ए ब्लैक टू बैक कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड एट द एग्जाम सेंटर। तो बैक टू बैक प्रिंट आउट करने के लिए दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब होता नहीं है, ये आपको एग्जाम वहां पे बता देंगे। देखो, पहला वाला पेज निकाल लेना और बैक टू बैक प्रिंट आउट के लिए वहां पे वो लोग बता देंगे कैसे निकालना है, एग्जाम सेंटर पे दिया गया है निकालने के लिए। चलो, वैसे होता नहीं है मैंडेटरी, ये सारे चीजें जो है मैंडेटरी नहीं होती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मेन चीजें हैं, ध्यान से सुनते हुए चल रहा है। कैंडिडेट आर टू रिपोर्ट टू एट द एग्जाम सेंटर एज पर स्पेसिफाइड डेट और टाइम, जो आपका दिया गया जो ओपन टाइम है, गेट ओपन टाइम है, गेट क्लोजिंग टाइम, उससे पहले पहुंचना है बाबू, ठीक है। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर आफ्टर द कमिसमेंट ऑफ, जब शुरुआत हो जाएगी अगर एग्जाम की, कमिसमेंट हो जाएगा उसके बाद इंटर नहीं होने दिया जाएगा, रिक्वेस्ट होता है आपका, और रिक्वेस्ट कोई भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा एग्जाम सेंटर डेट और शिफ्ट चेंज करने के लिए। और पोस्ट गार्ड जो रिजर्व कर दिया आपके पास, इसका राइट है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर सेंटर पे, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण, जैसे मान लीजिए हैकिंग वगैरह अगर हो जाता है तो, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड जारी होने के बाद भी। द कैंडिडेट मे बी डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एग्जाम सेंटर आर एनी अदर, दूसरे दिन कभी बुला लिया जाएगा अगर ऐसा कुछ कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना। बाकी कैंडिडेट आर टू ब्रिंग, आपको मैंने बताई दिया, ओरिजिनल 10वीं का मार्कशीट आपको लेके जाना है, वैलिड जो है आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, एक आपको कलर प्रिंट आउट लेके जाना है एडमिट कार्ड का, और दो फोटो लेकर के जाना है। और साथ में एसटीएससी वाले अगर बात कर लें, तो अगर एसटीएससी के कैंडिडेट हो तो एसटीएससी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेते जाना, दो फोटो कॉपी लेते जाना, सेल्फ अटेस्टेड, ध्यान से सुना एसटीएससी वालों मैं क्या कह रहा हूं पहले, ठीक है। इसी का जो है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट का दो फोटो कॉपी जो है खुद सिग्नेचर करके
और ओरिजिनल बस और ट्रेन का टिकट लेते जाना। अगर आपको फेयर वापस चाहिए, अगर किराया वापस चाहिए तभी लेके जाना है। अगर आप चाहते हो 30 किलोमीटर से ऊपर अगर आपका एग्जाम सेंटर है, अगर आप चाहते हो कि आपका किराया वापस मिल जाए तभी ये सब लेके जाना, जो मैंने उस दिन फॉर्म भरने के लिए बताया था। एनएफटी चेक लगा देना उस फॉर्म में, फॉर्म भर के, ठीक है, मतलब सॉरी एनएफटी कह रहा हूँ, ये एनएफटी के थ्रू पेमेंट होता है, आपको कैंसिल चेक लगाना है, ठीक है। पिताजी का अगर आप अकाउंट देते हो तो पिताजी का कैंसिल चेक लगा दोगे, और मैंने बताया भी था कि कैंसिल चेक कैसा होता है, एक बार और बता दूंगा। और टीए क्लेम करने के लिए, ट्रेवल अलाउंस क्लेम करने के लिए, और अगर नहीं चाहिए आपको तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज अपना मैच कर लीजिएगा। देखो इसी तरह चेक किया जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए कि आपके नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके पिताजी के नाम में, या फिर आपकी 10वीं के मार्कशीट से नहीं मैच कर रहा है एडमिट कार्ड, या फिर आपका फोटो आईडी, हर एक चीज मैच किया जाएगा। अगर नहीं मैच कर रहा है तो बाबू बाहर हो जाओगे, ये चीज ध्यान देना है, ठीक ना। आपका आधार कार्ड नंबर तो मैच करेगा, आधार कार्ड नंबर तो किसी का बदलता नहीं है, ठीक है, हर एक चीज मैच कर। देखो क्या क्या देखा जाएगा, पहले आपका आपका नाम देखा जाएगा एडमिट कार्ड में, फिर आपका नाम मार्कशीट में देखा जाएगा, फिर आपका नाम फोटो आईडी में देखा जाएगा, फिर आपका फोटो आईडी नंबर देखा जाएगा, ठीक है, फोटो आईडी नंबर जो आधार कार्ड में और फोटो आईडी नंबर जो ओरिजिनल में है, दोनों में देखा जाएगा, कोई बदलाव तो नहीं है। हैकिंग वगैरह वाले करते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे जो बिहार विहार वाले हैं। अपडेट ऑफ बर्थ जो है आपका देखा जाएगा एडमिट कार्ड और मार्कशीट में और फोटो आईडी तीनों में, ठीक है, ये सारी चीजें देख लेना। पिताजी का भी नाम लोग देखते हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ, उसके बाद कह रहा है द डिसीजन विल बी फाइनल होगा कि आपको अंडर प्रवेश करने के लिए दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए। ये सारी चीज चेक करने के बाद ये सारा का सारा जो है राइट जो है आईसीजी के पास, इंडियन कोस्ट गार्ड के पास होगा। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन गाइडलाइंस देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ड्रेस कोड आपको क्या पहन के जाना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। ऑन द एग्जाम डे कैंडिडेट विल हैव टू वियर स्लीपर, आपको और सैंडल पहन के जाना है, फ्लैट हील्स। देखो क्या क्या पहन के जाना है, चप्पल पहन के जाना है, ठीक है, या सैंडल पहन सकते हो। क्लोज फुटवियर, शूज वगैरह अलाउड नहीं होंगे एग्जाम सेंटर के बाहर, बाहर ही निकलवा दिया जाएगा, नंगे पैर भेजेंगे सब। कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू रिमूव दिस शूज, देखो निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। द डिसीजन इन विच लेटर जो लेगा वही प्रायर होगा कि आपको शूज सॉक्स में भी जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, यहाँ तक कि मोजा भी नहीं पहनने दिया जाएगा। अब क्लॉथेस भी लार्ज बटन्स के साथ में, या फिर जैसे फुल स्लीव्स जो आपके जैसे पूरा स्लीव्स वाले जो फुल स्लीव्स आते हैं, ठीक है, लॉन्ग स्लीव्स, ये सब और जैकेट वगैरह अलाउड नहीं होंगे। आपको क्या पहनना है, कोई घड़ी वगैरह भी नहीं पहनना है, स्मार्ट बैंड भी नहीं पहनना, ब्रेसलेट वगैरह भी, ऑर्नामेंट्स हो गया, कैप्स हो गया, वैलेट हो गया, हैंडबैग, ये सब नहीं चलेगा। तो क्या आपको पहनना बाबू, हाफ टी शर्ट पहन के जाइएगा, ठीक है, हाफ टी शर्ट पहन लीजिएगा, या फिर अगर फुल शर्ट भी पहनते हो तो कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल स्लीव्स में आप देख रहे हो कि जैकेट वगैरह अलाउड नहीं है जिसमें बड़े बड़े बटन वगैरह हो, ठीक है। तो गर्मी का टाइम मान लो चल रहा है, अगर गर्मी के टाइम आप टी शर्ट पहन के जाओगे तो और बेहतर होगा। दोज हू बियर स्पेसिफिक अटायर फॉर रिलीजियस पर्पजेस के लिए अगर कुछ आप पहन रहे हो, जैसे मान लीजिए टर्बन वगैरह कुछ लोग बांधते हैं सर पे, तो आपको एग्जाम सेंटर पे आधे घंटे पहले जो है क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा, फ्रिस्किंग के लिए आपकी चेकिंग होगी, ठीक है। और हाँ देखो, अगर आप पूछते हो कि सर हाफ पैंट पहन के जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल जा सकते हो, हाफ शर्ट हाफ पैंट भी अगर पहन के जाते हो तो अलाउड कर देंगे वो लोग, ठीक है। और पैंट में देखो जींस वगैरह मत पहनना, नॉर्मल पैंट पहन लेना, कोई दिक्कत है नहीं। एनी टेक्सचर, आप देखो एग्जामिनेशन सेंटर इक्विपमेंट्स में देख लो क्या क्या दिया गया, एक मिनट रुक जाओ। एनी टेक्सचर मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वहां पे अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये सब तो तुम बहुत होशियार हो यार, तुम लोग जो है बच्चे हो, ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, हमेशा से एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो नीचे आ जाओ, कुछ कोविड 19 इंस्ट्रक्शंस देख लेना। कैंडिडेट एडवाइस टू सेंट्रल और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपका वो है, कैंडिडेट टू बी अबाउट ऑल डीओएस और डांडू वाले, यहाँ पे दिया गया क्या क्या करना है क्या क्या नहीं, ये तो हर बार होता है, ठीक है, कि थोड़ा सावधानी बरतिएगा। लेकिन अब ऐसा कोई कोई आरटीपीसीआर वगैरह लगेगा नहीं, ये चीज ध्यान देना, आरटीपीसीआर वगैरह मत कराने लगना। और एग्जाम खत्म होने के बाद जो है वो भी आप देख लेना, मैनर में निकलना है बाहर, ये सब तो रोज हमेशा बताता रहता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे एक चीज भरना है, सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड 19 के लिए भर लेना, ये चीज जरूरी है, इसको जरूर भर लेना, ये प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। अब देखो इसमें भरना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम सेंटर पे पहुंचने प्री फील्ड आपको पहुंचने से पहले ये भरा हुआ होना चाहिए एग्जाम सेंटर पे। क्या है कि देखो क्या आपके पास कोई फ्लू सिम्टम्स है, फीवर वगैरह अगर 38 डिग्री से ऊपर अगर आपका टेम्परेचर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो, क्रॉस कर दीजिएगा। क्या कफ वगैरह है, नो कर दीजिएगा। ब्रीथनेस मतलब सांस लेने में दिक्कत है, नो। क्या आपका गले में खर्राहट है, नो। और बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर पूछ रहा है यहाँ पे देख लेना कि क्या आपके परिवार में कोई जो है 14 दिन के अंदर आया हुआ है कोरोना वायरस से जो संक्रमित था, अगर ऐसा कुछ नहीं है, आई हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद, यहाँ पे कर दीजिएगा नो वाले पे, नो 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 नो, ऐसे ट्रिक बॉक्स पे ट्रिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर, डेट डाल दीजिएगा, प्लेस डाल दीजिएगा और अपना नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। और ये हिंदी वाले जो हिंदी के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, नीचे भी दिया गया है हिंदी में। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। एक चीज ध्यान देना, डॉक्यूमेंट पे अपना विशेष ध्यान देना, नहीं तो बाबू अंदर जाने नहीं देंगे सब।
ठीक है। फिलहाल के लिए कोई अगर आपके पास कोई मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, अपनी पढ़ाई की सारी चीजों से इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई, अगर पढ़ाई नहीं रहेगी तो एग्जाम में बैठने का कोई मतलब नहीं रहेगा, अपनी तैयारी पे फुल फोकस्ड रहो। और दूसरी चीज ये है कि परीक्षा का टेस्ट सीरीज जो मैंने बताया वो ले लीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को।